जिस ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ने के लिए ए से लेकर बी सिखाया जाता है और एक से लेकर दो तक की गिनती सिखाई जाती है, उसी ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए जो हिंसा के दौरान जो लोग आए थे हिंसा करने के, उन्होंने किस तरीके की यहाँ पर एक अपने शब्द छोड़े हैं कि हिंसा किसे कहते हैं। पूरी दीवार ही उन्होंने यहाँ से तक यहाँ पे तोड़ दी है बच्चों की, जिस पर बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बना था। कमरे का हाल देखेंगे तो आप बेहाल हो जाएंगे कि किस तरीके से जो दंगई आए थे उन्होंने यहाँ पर किस तरीके की एक अपनी अराजकता फैलाने की कोशिश की थी। और यहाँ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँ, खिड़कियों के पार उस पार दिखाना चाहूँ, तो आप जो बच्चे जिस पर बेंच पर बैठते थे उस बेंच का हाल देख लीजिए कि किस तरीके से उपद्रवियों ने बेंचों को जला दिया, बेंचों में कुछ नहीं बचा। हालांकि अब यहाँ पर प्रशासन और पुलिस सभी तमाम लोग आकर यहाँ पर जाँच कर रहे हैं और स्कूल को दोबारा से तैयार किया जा रहा है फिर से पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। ये यहाँ पर काम भी चल रहा है बच्चों को स्कूल को दोबारा से ठीक करने के लिए और जांच अधिकारी भी आए हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है उसको उसकी जांच भी कर रहे हैं। लेकिन जिस ऊपर आप देखिए कि स्कूल में बाकायदा आग तक लगाई गई थी। आखिर इस स्कूल ने जिस स्कूल के अंदर सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं इस स्कूल ने क्या बिगाड़ा था उन उपद्रवियों का जिन्होंने यहाँ पर आकर हिंसा की। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके लिए हमारे समाज को हमको आपको सभी को बैठ कर सोचना होगा कि आखिर जिस स्कूल के अंदर उनको काका बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको एक अच्छा इंसान बनने की शक्ल दी जाती है, एक उनको अकल दी जाती है, उस स्कूल के अंदर इस तरीके की अगर हिंसा होगी, उस स्कूल के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा जिसमें बच्चे अब आने से भी डरे कि आखिर उनके स्कूल का ये हाल किया गया था, उपद्रवी ने इस तरीके का हाल किया था, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से डरेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की यहाँ बोतलें भी हैं जो हालांकि उस टाइम पर बच्चे नहीं थे यहाँ पर जिस वक्त ये हिंसा हुई थी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्योंकि उनके सामान बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं तो ये सब सामान इस तरीके इस बात की तस्दीक दे रही हैं कि किस तरीके से जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ पर हिंसा की थी। मैं जहाँ तक अपने कैमरामैन को कह रहा हूँ कि तस्वीर दिखाएं, वो दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बार बार दिखाई दे रही है कि हिंसा जो हुई है वो कितनी भयावह हिंसा हुई होगी। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इस तरीके के दंगे शायद दिल्ली ने या उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में नहीं देखे, जिस तरीके के दंगे इस वक्त हुए थे यहाँ पर जो 3 दिन पहले यहाँ पर दंगे हुए इलाके के अंदर 25 तारीख की बात से 3 दिन तक दिल्ली के अंदर आग जलती रही, तमाम दंगे होते रहे, लोग अपने घरों को छोड़कर भागते रहे दाएं बाएं उन उपद्रवियों से बचने के लिए। तो ये इस तरीके की तस्वीर देखकर यही लगता है कि शायद वो लोग इस ऐसे स्कूलों में नहीं गए थे। जहाँ पर ये देखिए स्कूल की वो स्कूल का ऑफिस होगा जहाँ पर शायद स्टाफ रूम होगा, जहाँ पर टीचर्स के लिए अलमारी होती है उनके पर्स वगैरह रखने के लिए, बच्चों का रिकॉर्ड कुछ सामान भी यहाँ रखा जाता है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक स्थिति बनी है यहाँ पर, भयावह स्थिति। ऊपर पंखे तक देखे जल के, या तो उनकी पंखड़ियाँ लटक गई हैं या फिर पूरे के पूरे पंखा जो है वो जल के राख में तब्दील हो चुका है। इन राख को देखकर यही लगता है कि शायद उन बच्चों को जिन्होंने, उनको बच्चे तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने हिंसा इस तरीके की है कि वो बच्चे नहीं होंगे, वो जरूर ही मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे जिन्होंने इस तरीके की हिंसा की। अगर शायद वो ऐसे बच्चे स्कूल में गए होते तो शायद वो एक अच्छे नागरिक बने होते, एक अच्छे इंसान बने होते। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।